The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं। हमारी application Play Store और App Store दोनों ही जगहों पे available है। जैसे ही आप application download करेंगे, आपको store पे click करना है। Store पे click करते ही सारे के सारे courses आपको नजर आने लगेंगे। We have classes and courses for UGC NET Forensic Science and Criminology. So UGC NET Paper 1 plus Paper 2 के courses available है in the subject of Forensic Science and in the subject of Criminology. इसके अलावा we have entry classes. So NFSU entrance, CUET PG and CUET entrance की classes available है हमारे official application पे. So basically forensic science से related जितने भी entrances and examination होते हैं उन सभी के courses आपको हमारे platform पे मिलेंगे and आप अपने exam के according classes join कर सकते हैं. Scientific officer, different scientific officer की जो recruitments होती है, different scientific officer के जो recruitments होते हैं उन सभी के classes and courses भी available होते हैं हमारे official application पे. So do join these classes and start your preparation with us. So as I said that we have two types of classes. We have study material class and we have video lecture classes. So video lecture classes complete course and classes आप कह सकते हैं because उस course में आपको मिलता है video lecture. सारे के सारे syllabus को cover करता है video lecture. Study material बिल्कुल study material notes होते हैं, concise study material आपको मिलता है. Sample MCQs and mock test आपको मिलते हैं. तो video lecture course में ये तीनों की तीनों चीजें ही आपको मिलेंगी. Previous year question paper भी इस course में included है. So आपको ये complete course मिलता है जैसे हम कहते हैं video lecture course. इसके अलावा होता है study material course. So study material course में आपको सिर्फ और सिर्फ PDF notes, study material और sample MCQs and mock test मिलते हैं. So this is study material course. And ये सारा कुछ include करता है video lecture course. So we have these two types of courses in our official application for different examination and entrance examinations. So do download our application and join our classes and start your preparation with us. आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं स्किन. ओके, सो स्किन क्या है? स्किन आपकी बॉडी की सबसे पहली लेयर है. हम ये कह सकते हैं द स्किन सर्व्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड सब्सटेंसेस दैट मे बी हार्मफुल टू द बॉडी. तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई स्किन की. सो द स्किन इज द फर्स्ट लाइन first line of defense against infectious agents. So जितने भी infectious agents हैं, ओके, जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर हमारी स्किन काम करती है. ठीक है, जो स्किन है हमारी, स्किन इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट्स. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन. ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमारी स्किन. या फिर ये कह सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस दैट मे बी हार्मफुल टू द बॉडी. सो इनके अगेंस्ट हमारी स्किन हमें प्रोटेक्शन देती है. अब कुछ इंपॉर्टेंट लेयर्स होते हैं, कुछ स्किन में इम्पॉर्टेंट लेयर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट लेयर्स एंड कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम आज की इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ओके, तो ये होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन. ठीक है, जो सबसे पहली लेयर है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस. ठीक है, ये पहली वाली लेयर, दिस लेयर इज एपिडर्मिस. इसके बाद जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं डर्मिस एंड सबसे अंदर की लेयर को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस. ठीक है, हाइपोडर्मिस सबसे इंटरनल लेयर है, फिर मिडिल लेयर को हम कहते हैं डर्मिस और एपिडर्मिस आपकी अपर लेयर होती है. ठीक है, ये जो आपको स्मॉल पोर्स दिख रहे हैं, ये हैं आपके पोर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स.
क्या है, पोर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, ये सारे के सारे स्वेट ग्लैंड्स है, ये सारे के सारे स्वेट ग्लैंड्स के पोर है, सॉरी. एंड स्वेट ग्लैंड कहाँ है, दिस इज द ग्लैंड, दिस इज द स्वेट ग्लैंड. यहाँ पे और भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि वैस्कुलर वैस्कुलर स्ट्रक्चर एंड देन कॉर्पसल्स एक्सेट्रा. साथ ही साथ यहाँ पे हमने देख लिया कि ये क्या है, स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड में स्वेट प्रोड्यूस होता है एंड ये रिलीज होता है आपके एपिडर्मिस में, ठीक है. ये स्किन हेयर है, स्किन हेयर का जो मिडिल पार्ट है उसे हम ऑलरेडी शाफ्ट कहते हैं, तो हेयर शाफ्ट. यहाँ पे आपको दिखेगा एक मसल, ठीक है, सो दिस इज दी मसल. हियर वी हैव हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल से हेयर इमर्ज हो रहा है इन द एपिडर्मिस, ठीक है. फिर यहाँ पे है आपका सेबेशियस ग्लैंड, दिस सेबेशियस ग्लैंड विल प्रोड्यूस ऑयल, ठीक है, ऑयल जो प्रोड्यूस होता है स्किन, ओके, सो दिस स्ट्रक्चर विल प्रोड्यूस ऑयल, ठीक है, ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं. इसके साथ ही साथ हेयर रूट, दिस इज हेयर रूट, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर, यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज है, ठीक है, हमारी फैट टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, सेंसरी नर्व फाइबर्स यहाँ पे है जिनकी वजह से आपका सिर, ओके, और यहाँ पे है सेंसरी नर्व फाइबर्स. तो सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं हाइपोडर्मिस में जहाँ आपकी सेंसेशंस आप फील कर सकते हैं, ठीक है. सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन स्किन की, ठीक है. अब हम बात कर रहे थे कुछ डिफरेंट लेयर्स की, स्किन की डिफरेंट लेयर्स की, ठीक है. सो स्किन में कितने लेयर्स होते हैं, स्किन में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, टोटल हम ये कह सकते हैं कि वी हैव 7 इम्पॉर्टेंट लेयर्स ऑफ द स्किन. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है दैट इज स्ट्रैटम कोरोनम, इसके बाद जो होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, फिर हम कहते हैं स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर की वजह से ये सारे नाम्स है. देन वी हैव स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम के बाद से स्ट्रैटम बेसल, इसके बाद तो आपको मिलानोसाइट्स दिखेंगे एंड डर्मिस दिखेगी, ठीक है. सो इसके बाद मिला, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज डर्मिस, डर्मिस के और इनर लेयर पे अगर हम जाएं तो फिर फाइनली हाइपोडर्मिस, ठीक है, फिर फाइनली डर्मिस इज द लास्ट लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है. सो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं एंड यही हमें पढ़ना था. कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफरेंट, ये सीक्वेंस पूछ लेता है, डिफरेंट लेयर्स का सीक्वेंस पूछ लेता है एंड डिफरेंट, ओके, हेयर का अगर स्ट्रक्चर हम देखें, सो दिस वन इज हेयर शाफ्ट, ठीक है. अगर हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, सो दिस इज माइक्रोस्कोप, दिस इज शाफ्ट, ठीक है. शाफ्ट का जो आउटर लेयर है दैट इज क्यूटिकल, मेड्यूला एंड देन कॉर्टेक्स, ठीक है. सो ऐसा हेयर स्ट्रक्चर होता है. तो आई होप स्किन का स्ट्रक्चर क्लियर है. स्किन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डिफरेंट लेयर्स इस तरीके से होती है एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो नेमिंग है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है. Okay, so we are done with this quick lecture. I hope it is helpful to you all. And thank you so much again. Have a great day ahead. If you want to subscribe these courses, you can download our official app and you can join us on Instagram, Telegram, and YouTube. See you guys in the next video. Have a great day ahead.